हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर तैयार कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एन इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy / dx = 2xy² + y / x - 2y³ इज। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमने कुछ फॉर्म पढ़ी थी, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पे मैंने उस सभी को बताया था कि किस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसकी फॉर्म थी कुछ स्पेशल, और तब उनके इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। अब इसको हम उन्हीं फॉर्म में से किसी मिलाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास सॉल्यूशन dy / dx = 2xy² + y / x - 2y³। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम, अगर dy को इधर ले जाए और dx को, सॉरी dy को इधर ले जाए और dx को इधर ले जाए, एक्स माइनस टू वाई क्यूब डी एक्स, सॉरी टू एक्स माइनस टू वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हम इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स डी वाई माइनस टू वाई क्यू डी वाई, इस टर्म को भी इधर ला रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस आएगा। ये हो गया हमारे पास जब इस टर्म को इधर ले आए। तो फिर अगर हम इस टर्म को देखें एक्स डी वाई और यहां से वाई डी एक्स, तो जो हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और इस टर्म को देखें इस टर्म को इस टर्म में से अगर हम कॉमन ले लें माइनस एक्स वाई, फिलहाल तो हम अगर कॉमन ना लें तो अभी हम देख सकते हैं माइनस टू वाई क्यूब डी वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, ये टर्म है हमारे पास, अगर हम इस टर्म को देखें तो यहीं से हम अगर सोल्यूशन इसका निकालना चाहें तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे, इनमें से ऑप्शंस में से अगर चेक करना चाहे तो कौन सा ऑप्शन है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन डायरेक्टली निकल जाता है। पर अगर अब अभी आप चेक करते हैं 1/y² अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1/y² आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाई क्यू की जगह सिर्फ वाई रह जाएगा और यहाँ से वाई स्क्वायर हट जाएगा। तो अब देखें तो ये तो डी एक्स अपॉन वाई हो गया माइनस टू, सॉरी अगर देखें तो ये हो गया डी एक्स अपॉन वाई माइनस टू डी वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी अब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स इंटीग्रेशन करने पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस टू वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं डायरेक्टली पता चल गया 1/y² को मल्टीप्लाई करने पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो 1/y² जो है इसका इंटीग्रल फैक्टर है। फ्रेंड्स, ये